नमस्ते बच्चों चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं पहले सबसे पहले आज का जो हमारा सुविचार है वो देख लेते हैं जब आप गुज़रे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं उस समय भी समय गुज़र रहा होता है बहुत अच्छी बात है बच्चों कि हम सोचते हैं कि अरे मेरा ये समय चला गया और मैं उसमें क्या क्या कर सकता था क्या क्या कर सकती थी पर आप ये भूल जाते हो कि आप वो सोचने में भी वो समय गवा रहे हो तो अब हमको क्या करना है कि सोचना कम है और काम ज़्यादा करना है तो फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं उस समय भी समय गुजर रहा होता है बच्चों समय बहुत मूल्यवान है बहुत कीमती जो एक बार गुजरा समय वो वापस नहीं आता है तो हमें इस समय का उपयोग करना चाहिए ना कि उसे बर्बाद करना चाहिए तो आज की जो हमारी कक्षा है बच्चों वह भी समय से ही जुड़ी हुई है क्या चलिए देखते हैं डेज ऑफ द वीक सप्ताह के दिन हिंदी में हम उसे कहते हैं सप्ताह के दिन तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ फर्स्ट है संडे मंडे ट्यूजडे वेन्सडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे देखिए बच्चों आपको इतना पता है कि सप्ताह के दिनों में सात दिन होते हैं सेवन डेज का वन वीक होता है वैसे ही हिंदी में भी सब सात दिनों का एक सप्ताह होता है आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ जो अक्सर हम भूल जाते हैं या फिर मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ पर हमें इसे याद रखना है वह क्या है कि सप्ताह का दिन जो सप्ताह की शुरुआत होती है वह संडे से होती है हम जब इंग्लिश में बोलते हैं तो बराबर संडे मंडे ट्यूसडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कहते हैं पर जब हम हिंदी में कहते हैं तो क्या कहते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार मतलब इंग्लिश का जो था वह संडे से शुरू हुआ और जो हिंदी का है वह सोमवार से ऐसा क्यों तो बच्चों जो हिंदी भी है वह भी क्या होना चाहिए रविवार से शुरू होना चाहिए हम बोलते वक्त अक्सर सोमवार मंगल बोलते हैं पर अब हमें क्या करना है इसे बदलना है सही चीज़ हमें समझनी है वह क्या है रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार मतलब सप्ताह के दिन की शुरुआत कहाँ से होती है रविवार से देखिए यहाँ पे है कितनी पैटल पहले इसमें कितनी एक फूल बताया है और इसमें कितनी पंखुड़ियाँ चले गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात जैसे मैंने आपको बताया कि सात दिनों का एक सप्ताह होता है अब सप्ताह की शुरुआत कहाँ से होती है रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार तो आपको ये समझ में आया बच्चों कि सात सात दिनों का एक सप्ताह होता है अब यहाँ पे क्या है इंग्लिश और हिंदी नाम जैसे संडे रविवार मंडे सोमवार ट्यूसडे, मंगलवार वेनजडे बुधवार थर्सडे गुरुवार फ्राइडे शुक्रवार सैटरडे शनिवार अब देखिए बच्चे यहाँ थर्सडे को गुरुवार और बृहस्पतिवार भी कहा जाता है पर हम अक्सर गुरुवार ही कहते हैं अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ बच्चों देखिए पहले आप इंग्लिश का देखिए जैसे देखिए ये सब में एक चीज़ कॉमन है क्या है डे डी ए वाई डे 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 ये कॉमन है तो अब हमको क्या करना है सिर्फ सामने की स्पेलिंग लर्न करनी है जैसे सन एस यू एन सन डे तो हमको सब कॉमन ही है मन एम ओ एन मनडे ट्यूजडे वैसे ही इसमें क्या करना है डे को छेड़ के आपको सारी स्पेलिंग्स लर्न हो जाएगी तो इससे क्या होता है कि आपका आपको याद करने में सरलता होती है वैसे हिंदी में भी है बच्चे देखिए इन सब में इन सब नामों में जो एक कॉमन चीज़ है वो क्या है वार 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 वार, वार, वार मतलब आपको क्या करना है कि सामने के जो सिर्फ दो अक्षर या तीन अक्षर का शब्द है उसे याद करना है जैसे रवि वार तो आपको पता ही है सोम वार आपको पता है मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि मतलब इसे लिखने का आपको जब सीखना है कि हमें अब सप्ताह के दिन लिखने हैं तो कैसे लिखना है वार वार वार, वार सब में समान है सिर्फ सामने के दो या तीन शब्दों का तीन वर्णों शब्दों का जो है उसे ही हमको सीख लिखना सीखना है बाकी तो वार बार सब समान है तो एक बार फिर से बच्चों देखिए रविवार सप्ताह का दिन कहाँ से शुरू होता है रविवार से सप्ताह की शुरुआत रविवार से होती है रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार बच्चों उम्मीद है आपको एक चीज़ समझ आई होगी और सात दिनों का एक सप्ताह होता है अब आपको ग्रह कार्य क्या करना है सप्ताह के दिनों के नाम पांच बार लिखने हैं कैसे लिखने हैं सोमवार मंगल नहीं रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार अगर आप बोलोगे कि रविवार 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 पाँच बार लिख दिया फिर सोमवार सोमवार नहीं ऐसा नहीं करना है आपको कैसे करना है जैसे ये है रविवार सोमवार ऐसे पांच बार लिखने मतलब रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये एक हो गया फिर दूसरा नंबर डालिए उसके बाद शुरू कीजिए रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार शनिवार ऐसे आपको पांच बार लिखना है फिर दोहरा रही बच्चों रविवार 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 ऐसे नहीं लिखना है रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार ऐसे आपको पांच बार लिखना है ठीक है और अब क्या करना है देखिए दूसरा प्रश्न लिखिए दिए गए अगस्त के महीने को देखकर सप्ताह के दिनों के नाम लिखो यहाँ पे आपको एक कैलेंडर जैसा दिया है जो अगस्त महीने का है अब उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए जैसे सात तारीख सेवन सात तारीख का दिन कौन सा है रविवार तो आपको यहाँ क्या लिखना है उसके सामने रविवार फिर वैसे ही उन्नीस सत्ताईस इकतीस आपको वही देख के लिखना है और सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है यह आपको देख कर, लिखना है यह आपका गृह कार्य है बच्चों आपको ये पूरा अपने कॉपी में करना है और ध्यान से सप्ताह के दिन की शुरुआत रविवार से होती है हमेशा याद रखिए और समझ के की याद कीजिए बच्चों और समय का उपयोग कीजिए चलिए अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे धन्यवाद